और रागिनी एक बार फिर से मिलेंगे ऐसा हो नहीं सकता। और इस बात को सच साबित करने के लिए किसी और के सीरियल में एंट्री हो गई है जिसका नाम है निवेदिता। अब आप सोचेंगे कि बैठे बिठाए निवेदिता की एंट्री कहां से हो गई, तो अब आपको कहानी विस्तार से बताते हैं। इस शो के क्रिएटिव का नाम भी है निवेदिता बासु और लीजिए इसी के साथ सीरियल में भी निवेदिता बासु के नाम के किरदार की एंट्री हो गई है। क्यों डॉक्टर नील, निवेदिता बासु के नाम से कुछ आपको याद आया? इस नाम से तो आपका पुराना रिश्ता है, कसौटी जिंदगी में भी तो आपकी जिंदगी में निवेदिता बासु थी। एक साथ में इतनी सारी निवेदिता बासु, आखिर माजरा क्या है? मैं आपको मिलाना चाहूंगा ओरिजिनल निवेदिता से, ओरिजिनल निवेदिता में संस्कृत जो इस शो की करता धरता है निवेदिता बासु। I'm being flanked by two निवेदिता this time. मेरी नेम से क्या यही एक बहुत बड़ी चीज है, तो ट्विस्ट तो होगा ही कुछ बड़ा, देखते रहिए। अब तो इसके आगे क्या कहा जा सके, इसके आगे कुछ नहीं है। दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर नील के पीछे हर कोई दीवाना रहता है और निवेदिता का भी हाल कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर नील के साथ इनका दिल का कनेक्शन जो जुड़ गया है, 5-5 बच्चों के बाप से ये प्यार करती हैं और निवेदिता को ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल डॉक्टर नील के साथ उसकी शादी हो ही जाएगी। एक ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश हम कर रहे हैं एंड मैं इंटरेस्टेड टू हूँ इन नील एंड डायलॉग, जैसे कि आपने बोला मैं बोल भी रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए 2-4 घंटे तो क्या सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। नेक मकसद के साथ इंडिया लौटे डॉक्टर नील, अब यहाँ से तो आपका जाने का कोई इरादा नहीं लगता है क्योंकि रागिनी आपको जाने नहीं देगी और निवेदिता है जो आपको यहाँ रुकने नहीं देगी। अब देखते हैं इसमें जीत किसकी होगी, एक पत्नी की या प्यार करने वाले की। मुंबई से पारस कोठारी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट।